थैंक्स डॉक्टर लिम सियोजिन, थैंक यू प्रोफेसर सर, थैंक यू रत्ना मैम, थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर एस रंजन जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया, डीएक्सएन दिया। ये लोगों ने के माध्यम से ही आप और हम सबके पास डीएक्सएन आया है। जो बात हम कर रहे थे उस बात में 7 11 6 3 ये कोड नंबर है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं हर महीने। मैं 5 तारीख को आता हूँ, पिछले महीने को छोड़ के, जिसमें मैं नंबर को डिकोड करने की कोशिश करता हूं। और प्रोफेसर सर ने हमें बताया था 7 11 6 3 का जो टोटल है वो 27 है और 27 का टोटल 9 है। 27 दिसंबर हमारा फ्रीडम डे है और 9th इज अवर कंट्री जहां पे इंडिया में 9th में लॉन्च हुआ डीएक्सएन। नवा देश था जब इंडिया में लॉन्च हुआ। तो उसके ऊपर जो 7 बेसिक की हम बात करते हैं, जो आरबीसी का 7 बेसिक रूल है, उस बेसिक को एक एक करके मैं डिकोड कर रहा हूँ, एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो पहली हमने समझाया था 5 जनवरी को, जिन लोगों ने ये मीटिंग मेरी नहीं सुनी हो या जो 5 जनवरी के बाद ज्वाइन कर पाए हो या उस समय वो नहीं ज्वाइन कर पाए थे, आज भी आरबीसी यूट्यूब चैनल पे जाके 5 जनवरी को मेरा ड्रीम्स का लेक्चर था, ड्रीम्स के ऊपर मैंने पॉइंट शेयर किए थे, तो जाके वहां से आप रिकैप कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा पूरे वीडियो को, जिससे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द ड्रीम और कैसे वो ड्रीम देखने हैं और कैसे उनको करना है। उसके बाद 5 फरवरी को मेरा जो ये सेशन था वो गोल सेटिंग के ऊपर था, जिसपे मैंने गोल सेटिंग के बारे में डिटेल में बताया था, किस तरह से गोल सेटिंग किया जाता है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान है अगर गोल सेटिंग नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हमने उस पर चर्चा वार्ता करी थी। तो वो आप 5 फरवरी के ऑलरेडी यूट्यूब पे वो प्रोग्राम अपलोडेड है, उस पर आप देख लीजिएगा। एंड आज 5 मार्च हमारा स्किप हो गया था, एज आई टोल्ड यू वुमेन्स पावर की वजह से, और इसलिए नारी शक्ति में ही शक्ति है भैया, नमन करें जितना नारी शक्ति को, तो नारी शक्ति की वजह से वो स्किप था। लेकिन आज फिर 5 अप्रैल को हम लोग लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, जो 7 बेसिक का एक बहुत कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्ट। इस लिस्ट को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हु विल मेक लिस्ट, कौन लिस्ट बनाएगा, क्यों बनाएगा, उसका क्या फायदा है, उसकी क्या जरूरत है। क्वेश्चन आता है ना, लिस्ट क्यों बनाएं, मैं तो नहीं बना रहा सर, मेरे पास, हम कितनी बार कई लोगों को बोलते हैं सर लिस्ट बनाओ, पता नहीं वो कैसा है कि वो बनाता ही नहीं। अब आपको एक सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन लोग लिस्ट बनाएंगे, जो लोग प्रोफेशनल्स एटीट्यूड के लोग होंगे, जो अपनी एम्पायर को, जो अपनी टीम को, जो अपने आप को प्रोफेशनल्स रखना चाहते होंगे। होता ना एक काम को करना, एक काम को प्रोफेशनली करना, एक काम को करना, एक काम को अच्छे से करना, तो वो लोग लिस्ट बनाएंगे जो उस काम को अच्छे से करने में बिलीव करते होंगे, परफेक्शन के साथ, राइट, क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ। तो प्रोफेशनल अगर हैं आप, पहले सबसे पहले चेक कीजिए, अगर लिस्ट बनाने की बात कही जा रही है, हर लीडर कहता है, हर सक्सेसफुल लीडर को आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो ये बात जरूर कोट करेगा कि उसके पास एक लिस्ट है। तो आपको ये थर्मामीटर लगाना है, क्या आपके पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट है, वो कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए अगर आप प्रोफेशनल्स हैं। ओके, मिस्टेक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक मिस्टेक करते हैं लोग। जैसे हम बोले हम डीएक्सन में है, तो हम डीएक्सन में एक मिस्टेक करते हैं, क्या है वो मिस्टेक, नो लिस्ट। जब लिस्ट ही नहीं होगी तो नो कॉल्स, कोई कॉल्स, किसको कॉल करेंगे आप, कैसे याद करेंगे, किसको करना है, किसको बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नो कॉल्स, नो अपॉइंटमेंट, फिर आपका अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा ना, फिर कोई अपॉइंटमेंट भी आप नहीं ले पाएंगे, नो अपॉइंटमेंट, नो मीटिंग, फिर आपकी कोई मीटिंग भी सेट नहीं हो पाएगी, नो मीटिंग, नो फॉलोअप, जब कोई मीटिंग ही नहीं होगी तो फॉलोअप क्या खाक होगा, फॉलोअप भी नहीं होगा, नो फॉलोअप, नो ज्वाइनिंग, फिर कोई ज्वाइनिंग भी नहीं निकल पाएंगी ज्यादा, नो ज्वाइनिंग, नो सेल, जब ज्वाइनिंग ही नहीं आएंगी तो सेल ही कहां से आएगी, नो सेल्स, नो बिजनेस, फिर बिजनेस ही नहीं हो पाएगा, नो बिजनेस, नो सक्सेस, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। तो कहां है बेस, रूट कहां है, रूट इज लिस्ट, जो रूट है वो जड़ है, वो है एक लिस्ट बनाना। आपको ये समझना पड़ेगा, हर बिजनेस में, हर काम में, हर फैक्ट्री में एक चीज होती है जो बेसिक चीज होती है, जिसका नाम है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। आवर लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल, हमारी जो लिस्ट है वो ही हमारा कच्चा माल है, वो ही हमें
एक तरह से इस बिजनेस में रॉ मटेरियल का काम करता है। वो लोग जो होते हैं जिनको हम उस लिस्ट में लिखते हैं वो ही रॉ मटेरियल होते हैं। इसलिए उस रॉ मटेरियल का, अगर आपने रॉ मटेरियल को ही संभाल के नहीं रखा तो आप मुझे बताओ आपका जो प्रोडक्शन होगा क्या वो अच्छा हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो है द रॉ मटेरियल इज ए बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने रॉ मटेरियल को प्रॉपर अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर गेहूं मैं बात करता हूं, गेहूं मेरा मेरे काम का रॉ मटेरियल है। जो भी मैं काम करता हूं, बिस्कुट बनाता हूं, मैं आटा बनाता हूं या मैं कुछ भी बनाता हूं गेहूं से संबंधित, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो गेहूं है। अगर मैं गेहूं को ध्यान से नहीं रखूंगा, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करके नहीं रखूंगा और उसमें अगर कल को कीड़ा लग गया, घुन लग गया, तो जो मैं माल बनाने वाला था वो माल कितना भी अच्छी तरीके से बनाऊं, कितने भी एक्सपर्ट लोग हायर कर लूं, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दूं, अगर वो गेहूं खराब हो गया तो वो माल कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। ऑलवेज बी रिमेम्बर, हमेशा अपने रॉ मटेरियल को बहुत केयर टेकिंग के साथ रखिए। और लिस्ट इज अ ब्लूप्रिंट। ये लिस्ट की बातें जो मैं बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कोई मकान बनाने जाते हैं, इस तरह का जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप कहां आपको दिखता है? आप कभी कोई नक्शा बनाइए, आपने कभी कोई घर या प्रॉपर्टी कोई बनवाई हो तो उसमें एक नक्शा बनाया जाता है। वो नक्शा आपको गवर्नमेंट से ऑथराइज कराना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो जो आर्किटेक्ट होते हैं वो एक ब्लू इस तरह के कुछ पेपर पे नक्शा डिजाइन करते हैं कि ये मेरा टॉयलेट है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा पूजा घर है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा किचन है, इसका एंट्रेंस यहाँ से होगा, इसका वेंटिलेशन यहाँ से होगा, ये नॉर्थ साइड सही है या ईस्ट सही है, इस तरह करके वो पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली अपने घर को, अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं। सभी लोग बनाना भी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपका भी जो लिस्ट है उसको प्रॉपर सेग्रीग्रेट करना। उस लिस्ट में मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ नाम ही लिखने हैं। हाँ अच्छा रवि ओके, अजय ओके, अच्छा ये ओके ओके, ये इस तरह से नहीं। वो लिखना है, वो एक रफ एक लिस्ट बना सकते हैं, पर जो आपकी एक फाइनल लिस्ट होगी वो प्रॉपर डिजाइंड होगी। वो प्रॉपर मार्कर भी उसमें आप यूज कर सकते हैं, उसमें हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, उसमें जैसे हम करते हैं ना, कोई अगर डाइनिंग रूम में बैठा है तो फोकस लाइट ज्यादा लगाएंगे, है ना, कॉब लाइट लगाएंगे, बढ़िया सा मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रॉपर एक लाइट लगी हुई है, वो डार्क वो थोड़ा और इंप्रेशन दे रही है, राइट। तो वो क्या है, फोकस किया हुआ है मैंने। सिमिलरली हम अपनी लिस्ट को कैसे उसे हाइलाइटर से बढ़िया करके मार्क कर सकते हैं, राइट। जब मैं पढ़ता था तो कुछ लोग गर्ल्स ज्यादा थी, लेडीज जेंट्स तो मुझे बॉयज तो नहीं पता, लेकिन गर्ल्स को मैं देखता था जब वो कोई वो बनाती थी, जैसे अपने उसकी स्कूल का जो जो क्लास वर्क की कॉपी होती थी वो अलग अलग कलर से स्क्रैच पेन से अलग अलग, कोई लाल से कोई नीले से, अच्छा लगता था। मतलब मैंने नहीं किया वो काम, बट वो काम कुछ लोगों की वो आदत होती है उसको अच्छे से डिजाइन करना, तो वो बड़ा अच्छा लगता था, कहीं ब्लैक करना कहीं रेड करना। जब मैं प्रोफेशन में आया तो मैं समझा कि अगर हमें काम को किसी चीज को अच्छे से करना है तो उसको अच्छे से किया जाए। ओके, अगर ऐसा है तो लाल रंग का इस पे निशान लगा दो, इस पे पीले रंग का निशान लगा दो, इस पे हरे रंग का निशान लगा दो, तो वो उसमें से कुछ अलग हो गया। तो सिमिलरली हमें कुछ लिस्ट में इस तरह की चीजों को सीखना पड़ेगा, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। यू डोंट वरी, आई विल, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इस बातों को मैं अच्छे से समझा सकूं इस फर्दर बचे हुए टाइम में। बहुत से लोग जब हम बात करते हैं लिस्ट बनाइए, कितने स्मार्ट लोग तो स्मार्ट है ना, आप क्या सोच रहे हो आप हल्के फुल्के लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो? हमारी डाउनलाइन हमारे लोग इतने स्मार्ट हैं, सर लिस्ट इज ओके, परफेक्ट लिस्ट है मेरे पास, कहाँ पे है? सर मेरे मोबाइल में लिस्ट है, सर बहुत बढ़िया फोन मैंने लिया हुआ है, फर्स्ट क्लास फोन है मेरे पास, अराउंड सैमसंग का फोन है, ये फोन है, आईपैड है मेरे पास, आईफोन है, ओके। अरे भाई वो लिस्ट नहीं, अरे सर कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने बनाया था, देखो एक एक कॉन्टेक्ट मेरे पास बिल्कुल सेफ लिखा हुआ है और सब मैंने उसमें कर दिया है, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बना लिया है सर, और वो ऐसे ऐसे ग्रुप हो गया है बिल्कुल परफेक्टली ऑनलाइन। मेरे भाई इस बिजनेस में आपकी मोबाइल की, व्हाट्सएप की, अलग अलग चीजों की लिस्ट नहीं चलेगी। वो एक हेल्पिंग हैंड हो सकती है पर वो बेसिक लिस्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी। मोबाइल की लिस्ट को आज आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट समझने की भूल बंद कर देना। वो मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं कि वो लिस्ट आपकी, और इसका खामियाजा लोग भुगतते हैं बाद में, कभी फॉर्मेट हो गया, विंडो करप्ट हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कॉन्टेक्ट नहीं मिल पाए, तो वो उस व्यक्ति का वो फोन भी चले जाते हैं, वो फोन नंबर भी चले जाते हैं, वो उनका अलाइनमेंट भी चला जाता है। यू हैव टू मेक ए प्रॉपर डायरी लिस्ट, आप डायरी के रूप में, बुक के रूप में, एक रजिस्टर के रूप में। इनफैक्ट पहले तो मैंने डे बुक, कई लोगों ने मेरे देखा होगा, डे बुक परचेस करके लेकर आया था, डे बुक पे लिस्ट बनाया,
थोड़ा लंबा सा होता है वो, लेजर टाइप का सा, ये बुक पे एक लिस्ट भी बनाया हुआ है। तो कुछ लोग उसे बाद में फिर धीरे धीरे एक्सेल पे भी वो कर सकते हैं, पर इनिशियली आपके पास एक डायरी होना जरूरी है जो आपको उस एक डायरी आज ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा, और प्रॉपर सुंदर सी डायरी बढ़िया से डिजाइन करके लेके आइए। मोर लिस्ट मोर नेटवर्क मोर मनी, इस लिस्ट की जो फिलॉसफी है वो कुछ ऐसी है कि इस बिजनेस में हमें पैसा ज्यादा चाहिए तो हमारे पास ज्यादा टीम होनी चाहिए, टीम मीन्स लोग, तो हमें ज्यादा लोग चाहिए, हमारी लिस्ट में ज्यादा नंबर होने चाहिए, राइट। इस चीज को अट्रैक्ट आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिस्ट बनाते टाइम आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आपको ये प्रीजज नहीं करना है, आपको लिस्ट बनाते टाइम प्रीजज नहीं करना है कि कैसे मैं वो लिस्ट बनाऊं, कैसे वो चीज वो हो, उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो काम आपको नहीं करना है। ये हमेशा इस बात का बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जब लिस्ट बनाने जाते हैं तो वो प्रीजज करने लगते हैं, वो जो है क्या बोलते हैं, ये सोचते हैं अरे वो व्यक्ति तो मेरे साथ बिजनेस में नहीं आएगा, उस व्यक्ति को तो मैंने समझाया था, वो तो उसकी तो समझ में नहीं आया, वो तो मेरे साथ बिजनेस में नहीं आएगा। ऐसे करके हम लोग कई बार प्रीजज करने लगते हैं अपने लोगों को, और वो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि वो वहां पे हमें एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि इस बिजनेस में आने के बाद अब आप जब लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो आपको हर उस बंदे का नाम उस लिस्ट में लिखना है जो कहीं ना कहीं आपके टच में आया है, जो कहीं ना कहीं आपके संपर्क में है। वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, मैं एक मिनट उसे खोल ले रहा हूं, वो इस वाली स्लाइड में नहीं था, जस्ट होल्ड डाउन। वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें आप उस लिस्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इस दृष्टि से आपको उस तरह से प्लान करना होगा। हाँ या वेट तो इम्पोर्टेंट बात यही है, एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो इसमें मिस हो गई थी, मैं उसे ले रहा हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। सो आपको उस लिस्ट में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने मतलब के लोगों को छांटना शुरू कर देते हैं, जो हमारे मतलब के हैं, हमें हमारा दिमाग हमारा विवेक कहता है कि ये लोग हमारे साथ बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बिजनेस में अप्रोच करने लगते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, इस बिजनेस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उन लोगों को ही सिर्फ अप्रोच नहीं करना, आपको अपने साथ अपने समाज में अपने सर्किल में मिलने वाले वो सभी लोग को भी अप्रोच करना है जो आपके साथ सोसाइटी में हैं। जैसे ये पर्टिकुलर स्लाइड मेरे से मिस हो गई थी तो मैंने उसे लिया अपने पीछे से। फॉर एग्जांपल टीचर्स, कई बार हम सोचते हैं यार टीचर्स को कैसे समझाएंगे, टीचर तो हमसे एक्सपर्ट हैं, हमारे उन्होंने हमें पढ़ाया है, वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, तो हम उनके नाम उस लिस्ट में लिखना नहीं चाहते, नहीं लिखते। आपके बहुत अगर आप देखने लिखने बैठेंगे तो कम से कम 10 टीचर तो होंगे आपके पास जिन्हें जो आपको जानते होंगे, हाँ भाई ये भरत है, ये मेरे से फिजिक्स पढ़ता था, ये केमिस्ट्री पढ़ता था, ये मेरे से ये पढ़ता था, कॉमर्स पढ़ता था, तो उन टीचर्स के नाम भी आप लिखने शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको किसके नाम लिखने, कोई फार्मर हो आपके पास, कोई जान ऐसा हो जो किसान हो उसका नाम लिखिए, कोई सोल्जर हो सैनिक हो उसका नाम लिखिए इस लिस्ट में। आपका नाई जो होता है, आप कई बार उस नाई कहाँ करेगा यार, नाई का कोई स्टैंडर्ड है क्या हमारे डीएक्शन बिजनेस में करने का, हम उसका नाम ही नहीं लिखते। नाई बहुत अच्छा काम कर सकता है डीएक्शन में, ठीक है। मोची हो जिससे आप कोई रिपेयर करवाती हो जूते वगैरह, कोई कारपेंटर हो उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, गाड़ी का ड्राइवर हो बहुत अच्छा काम कर सकता है, माली हो कोई घर घर जाता है, ठीक है। चिकित्सक कोई डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब तो सुनते ही नहीं है, हम डॉक्टर को अप्रोच भी नहीं करते, हम उसे लिस्ट में नाम लिखने भी नहीं चाहते, अरे यार वो लोग नहीं करेंगे। नर्स है कोई, ठीक है, जज है कोई, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई मिस्त्री है, कोई लेबर है, मजदूर है, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, टेलर है, कितने नाम आप सोचो ना कितने नाम आ जाएंगे। टेलर के नाम आते ही आपको चार नाम याद आ गए, ड्राइवर के नाम आते ही पांच नाम आपको अलग से याद आ गए, कोई बुनकर है, कोई कुली है, राइट, कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है। देखो शॉपकीपर के नाम आते ही आप कम से कम 10 शॉपकीपर के नाम आपको याद आ गए होंगे जिनसे कहीं ना कहीं आपने सामान परचेस किया होगा। कोई ग्रोसरी है जहां से आपका परचूनिया का सामान आता है, लाला जो होता है, राइट, कोई सब्जी सब्जी बेचने वाला है, ठेले वाला है, हॉकर है कोई, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे, कोई सुनार है, कोई ज्वेलर है, कोई दूधिया आपके घर में दूध देने आता है, कोई अखबार बांटने वाला आता है, कोई धोबी आता है, कितने नाम आपको बता रहा हूं मैं, स्वीपर आता है, कोई रिपोर्टर है, कोई पब्लिशर है, कोई ठेकेदार है,
कोई ब्रोकर एजेंट्स है, LIC का एजेंट्स है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट है, कोई शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का है, कितने नाम आपको याद आ जाएंगे? कोई चपरासी भी है, कोई केमिस्ट भी है, पुलिसमैन है, कोई नल वाला प्लम्बर है, कोई पायलट है। यानी ये जो मैंने आपको ये नाम लिख के नई कोशिश करी है, ये बेसिकली ये एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा उनके प्रोफेशन के हिसाब से। हाँ, ये इस प्रोफेशन में तो पांच वो आदमी और है, वो आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यू नेवर एवर प्रीजज, आपको प्रीजज नहीं करना है कि ये लोग का नाम मुझे नहीं लिखना। लिस्ट में लिखने का मतलब है सिर्फ हमें एक उनको अपने पास नोट करना। अभी हम ना ही ये सोच रहे कि वो हमारे बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, और ना ही हम ये सोच रहे कि हम उन्हें वो उस लेवल का है या नहीं है। मेरे पास कितना रॉ मटेरियल है, बस मैं अभी वो देख रहा हूं, कौन से काम का है, कौन से काम का नहीं है, इट विल टॉक लेटर, वो हम थोड़ा देर में डिसाइड करेंगे। अब मेक लिस्ट सिटी वाइज। एक और मैं यहाँ पे एक चीज आपको कोट करूंगा, ये बहुत जरूरी है और इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैं आपको यहाँ हेल्प करूंगा कि आपका जो लिस्ट होना चाहिए इट शुड बी सिटी वाइज। वो सिटी वाइज मतलब क्या हुआ सिटी वाइज का? फॉर एग्जाम्पल, हम जो डीएक्शन का बिजनेस करते हैं वो शहरों के अनुसार करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं हरिद्वार में गया तो हरिद्वार के अगर मान लो मेरे पास अजय भी है, विजय भी है, रवि भी है, तीन अलग अलग नाम है, तो हम जो लिस्ट अब तक बनाते आए हैं वो अल्फाबेटिकल लिस्ट बनाते थे, ए फॉर अजय। तो ए से रिलेटेड जितने भी नाम हमारी लिस्ट में होते थे, वो चाहे किसी भी शहर के हो, हम उस ए में लिखते थे, बी में बी के नाम लिखते थे, सी में सी के नाम लिखते थे, डी में डी के नाम। ये हमारा बचपन से हमें सिखाया गया था। लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मैंने ये सोचा कि अगर हम इस तरह से नाम लिखेंगे तो मैं कैसे जज करूंगा, मुझे एक काम और बढ़ जाएगा कि मैं उनको अल्फाबेटिकली सेग्रीगेट करूंगा सिटी वाइज। अब मैं आज हरिद्वार में खड़ा हूं, अब मैं हरिद्वार में देखूं कि अजय भी हरिद्वार में है, अब V4 विजय, मुझे V पे जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट को अल्फाबेटिकली प्लान करना है। उसका क्या फायदा, आप समझ गए होंगे, ज्यादातर स्मार्ट लोग हैं। हरिद्वार का नाम लिखा, अब हरिद्वार में ए से जेड तक के जितने भी लोग हैं मेरे, ए से जेड तक के जितने भी लोग हैं वो सारे हरिद्वार वाली लिस्ट में, H4 हरिद्वार H4 हल्द्वानी, हल्द्वा, A4 अहमदाबाद, A4 अलीगढ़। तो अलीगढ़ के चाहे वो अजय हो, विजय हो, रवि हो, सुरेश हो, महेंद्र हो, कोई भी नाम, वो सारे नाम अलीगढ़ की लिस्ट में। अब मुझे क्या आसानी होगी, जब मैं उसे इम्प्लीमेंटेशन पे लाऊंगा तो मैं अजय के नाम अलीगढ़ में, अगर मैं हूं तो मैं अलीगढ़ में देख के अपनी लिस्ट खोलता हूं तो अलीगढ़ के नाम अगर मेरे पे 10 नाम है, वो चाहे अजय से हो, चाहे विजय से हो, चाहे रवि से हो, वो सारे नाम मेरे सामने आ गए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप समझ गए होंगे, अगर इस तरह से आप अपनी लिस्ट को बनाएंगे शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप इस तरह से अपनी लिस्ट को अल्फाबेटिकली प्लान कीजिए। कई लोग को जब मैं बोलता हूँ लिस्ट बनाइए तो वो लिस्ट बनाने बैठते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं, 10 नाम से ज्यादा लिख नहीं पाते, 20 नाम, बहुत कोई अच्छा धुरंधर आदमी होगा 30 नाम। फिर अभी नो डाउट ये फैक्ट है, आपको क्या हेल्प करनी है, ओके ऐसे मत लिखो आप लिस्ट, आप लिस्ट ऐसे लिखो कि आप अगर कोई शादी करते हो तो उस शादी में आपको कितने लोग बुलाओगे, कौन कौन लोगों को आप बुलाओगे, इस तरह से लिखो। या उन्हें आप मेरी ये वाली जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई, ये हेल्प करो कि देखो अब आप सोचो जरा, मालिक कौन है आपका, आपका दुकानदार कौन है, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट के नंबर बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, राइट। इस दृष्टि से आप थोड़ा सा काम को प्लान करो कि किस तरह से मैं अपनी लिस्ट के ज्यादा नंबर बढ़ा सकता हूं। अब जब हम ये लिस्ट का प्लान करेंगे कि मैं, आपने जब ये एटीट्यूड उन्हें दिया कि भाई आप जितने प्रोफेशंस के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, उनकी दृष्टि से आप जब लिस्ट प्लान करोगे तो आपकी लिस्ट बढ़ जाएगी। हाँ यार, ये बात तो सही हो गई। दूसरा उन्हें आइडिया क्या दो, जब आप किसी शादी में जैसे आप बुलाते हो तो आप मामा, ओहो 3 मामा, चाचा 4 चाचा, बुआ जी 2 बुआ जी, मौसी 5 मौसी, नानी नाना, नानी नाना के भाई, समझ रहे हैं। इस तरह से जब आप प्लान करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास रिश्तेदारों की जो चेन थी, राइट, उनके नंबर्स बढ़ने लगे, वो लिस्ट के नाम आने शुरू हो गए। कोई ऐसा भी होगा, कोई साला है आपका, मान लीजिए साले का नाम, अब साले का कोई दोस्त भी है जो आपके संपर्क में है, उसका भी नाम आ गया, ऐसे लिस्ट आपकी बढ़नी शुरू होगी। शादी में हम किन्हें बुलाते हैं, शादी में अपने नियर डियर्स को बुलाते हैं, ज्यादातर रिलेटिव्स हमारे होते हैं, वो भी तो हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी आप अपने
कॉन्टेक्ट लिस्ट में इस तरह से एटीट्यूड से डालिए कि जब मैं शादी के इन्विटेशन पर जाता हूँ, कई कई लोग तो 1,000 लोगों को 2,000 लोगों को शादी में इन्वाइट करते हैं, तो वहां पे आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा कि हमारी लिस्ट बनाने में आसान हो जाएगी। एक और आप उन्हें दृष्टिकोण दे सकते हैं जब वो लिस्ट बनाने कि सर आप ऐसे सोचो कि आपको 100 रुपए में दे रहा हूं, आपको 100 रुपए मिल रहे हैं एक नाम लिखने का, एक दूसरा दृष्टिकोण आप उसे दो, हाँ ये बड़े ऐसे नाम भरेंगे, मुझे हर एक नाम लिखने पर 100 रुपए मिलेंगे। ऐसे करके जब आप इस एटीट्यूड से लिखेंगे तो आप आपका दिमाग चलेगा, आपको कोने कोने में पड़े हुए बहुत सारे दोस्त, अरे यार एक दोस्त भी तो था जो मेरा वो अब तो टच में नहीं है लेकिन 10th में वो मेरे साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप में था, उसका नाम याद आया, लिखो नाम उसका, अरे अब उसका फोन नंबर, अरे चलो कोई नहीं नाम लिखते हैं पहले फोन नंबर ढूंढते हैं, चलो देखते हैं उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, अच्छा नहीं है फेसबुक एक मीडियम है जहां से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंस्टा एक मीडियम है जहां से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलो कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया, लाइक दैट। ऐसे करके आपको जो है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपना अपना एक बेस, अपने आप को प्रोफेशनलिज्म रखने के लिए इस एटीट्यूड से आपको अपने आप को डेवलप करना है। There is a two type of list, यहाँ पे दो टाइप की लिस्ट होंगी, that is first is primary list, second is secondary list, two types of list, दो तरह की लिस्ट होंगी, आप चाहें तो दो अलग अलग डायरी भी बना सकते हैं या आप उस डायरी के हाफ पार्ट को दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, राइट। प्राइमरी लिस्ट में कौन होंगे, वो लोग होंगे जो आपके परिचित जन हैं, जैसे मैंने अभी तक आपको परिचित जनों के बारे में बात बताई। सेकेंडरी लिस्ट में कौन होंगे, अपरिचित जनों की सूची को हम अननोन पीपल्स स्ट्रेंजर्स लिस्ट बोलते हैं। ये दो टाइप की आपको लिस्ट बनानी है, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको जो नॉन पीपल्स की लिस्ट होगी वो छुपी हुई है फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स को आप लिख लीजिएगा, फ्रेंड्स का फुल फॉर्म है एफ स्टैंड दोस्त, फ्रेंड्स मेरे जितने भी हैं उनके नाम आ गए, आर स्टैंड रिलेटिव्स, आई विल एक्सप्लेन ऑलरेडी, आई फॉर स्टैंड इंस्टीट्यूशंस, जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए दोस्त रिश्तेदार उनके दोस्त, या वहां पे कोई और काम करने वाला चपरासी रहा हो, कोई लैब असिस्टेंट रहा हो, वो भी इसमें आएगा, उसे मत छोड़ो लैब असिस्टेंट कोई रहा हो आपके पास, राइट। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब आया था तो मैं ग्रेजुएशन में था और उस समय केमिस्ट्री में एक लैब असिस्टेंट थे मिस्टर गिरी, अराउंड इस बात को हो गए 18-19 साल हो गए, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तो आप देखिए उससे लेके अब तक वो सिर्फ RGGL खाते हैं, एक RG एक GL खाते हैं, 365 दिन यानी एक साल में मुझे वो एक RGGL 360 की परचेज करते हैं, वो उससे ज्यादा भी नहीं खाते, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी नहीं खाते, बट एटलीस्ट वो RGGL का एक जोड़ा रोज पिछले कई सालों से जब मैं कॉलेज टाइम में था तब से वो उसको यूज कर रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस के लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं। ई स्टैंड्स एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, लीग्स हैं, राइट। एन स्टैंड्स नेबर्स, मेरे पड़ोसी जन लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे दुआ सलाम होती है, राजी खुशी होती है, उनका हमारे यहाँ आना जाना बहुत इजीली होता है, उनको भी आप अपनी उस लिस्ट का हिस्सा बनाइए। एंड डी स्टैंड्स डीलर्स एंड डॉक्टर्स, जितने भी हमारे डीलर्स हैं जहां से हम कोई ना कोई चीज डील करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ सर्विस परचेज लेते हैं, उन लोगों के नाम उसमें आ जाने चाहिए। और डी स्टैंड्स डॉक्टर्स जितने भी हैं या जितने भी और लोग हैं, हमारा कोई ड्रग सेलर है जिससे हम दवाइयां लेते हैं या कुछ भी है जहां से भी आपको, मैंने जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप उन सबके नाम उस लिस्ट में मेंशन करते जाइए। एस स्ट्रेंज स्ट्रेंजर्स, जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं उनको आपको इसमें अप्रोच करना है, एक उसके पीछे टैक्टिक्स है, उसके पीछे एक स्टाइल दिया है जो मैं लिखा भी है यहाँ पे, वो फॉलो करते हुए। वी ऑल आर स्ट्रेंजर्स, वी ऑल स्टार्ट एज ए स्ट्रेंजर्स, हम सब ने, अगर आप हमें देखें, हम सब लोग एक दूसरे के प्रति स्ट्रेंजर ही थे ना, कितने लोग हमारे नोन इस बिजनेस में है, रेयर, क्योंकि बहुत बड़ा सर्किल अनजान लोगों का है। उसके पीछे जो ट्रिक है, जो स्ट्रेटेजी है, वो आप समझिए, यू ऑलवेज स्माइल, आप एक मुस्कुराहट दीजिए, जब आप एक मुस्कुराहट देंगे, एक प्यारी सी छोटी सी, नॉट हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, हंसना हो गया अलग, मुंह बंद रख के चेहरे पे मुस्कुराहट डालने की आदत भी एक कला है, तो कभी ये कला अभी कई बार हमने नहीं करा है जीवन में, कभी ऐसा कई लोगों के मैं चेहरे पे देखता हूँ मुस्कुराहट आती नहीं है, मतलब चाहते हुए भी वो, मैं बोलता हूँ मुस्कुराओ तो वो मुस्कुरा पाते भी नहीं है, क्योंकि हम हंसना और मुस्कुराना भूल गए हैं, हम हमेशा एक तुनक मिजाजी में कई बार लोग रहते हैं, कुछ
तो समटाइम्स कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा अपने सरकमटेंसेस की वजह से। बस जब से आप डीएक्सएन इंडस्ट्री में आए हैं, जब से आप आरबीसी में आ गए हैं, इसका ट्रेनिंग का हिस्सा बन गए हैं, हम लोगों के संपर्क में आ गए हैं, तो ऑलवेज स्माइल, चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में एक मुस्कुराहट जब आप पास, वो फिर आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाएगा मुस्कुराने का, राइट। जब वो मुस्कुराहट रहे, मुस्कुराने का हिस्सा बन जाएगा, तो कोई आपको अपरिचित जब मिलता है तब भी आप मुस्कुराएंगे, राइट। तो मुस्कुराने से एक बात की डोर बनती है, उससे परिचय होता है एक नए बंदे से। कभी भी जैसे मैंने यहाँ रिपीट किया, सिटी वाइज लिस्ट, नेवर प्रीजज और फोकस स्ट्रेंजर्स पे। स्ट्रेंजर्स आपको कहाँ मिलते हैं? स्ट्रेंजर्स तो सब्जी मंडी में होलसेल के रेट में मिलते हैं सर। मतलब बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, ऑटो में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, एटीएम लाइन में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ, एवरीवेयर इज ए स्ट्रेंजर्स, एवरीवेयर इज ए पीपल्स, जहां पे लोग ही लोग हैं और वो सब ज्यादातर लोग स्ट्रेंजर्स हैं। बस उनसे धीरे 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 स्टाइल में अपने मुस्कुराहट करते हुए, धीरे धीरे हाई हेलो करते हुए, इंप्रेशन बनाते हुए, इंट्रोडक्शन करते हुए, राइट, एंड उनसे अपने आप को। ओल्ड टेक्निक क्या थी, ओल्ड पद्धति क्या थी? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ और नौकरी करो, ठीक है। ये एक ओल्ड मेथड था। अभी मेथड है पुराने पद्धति के, यानी इन लोगों का लिस्ट बना के अपनी लिस्ट में डालो और इनका नेटवर्क बनाओ, राइट। दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो आप और हम लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग बहुत बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत धुरंधर हैं इसमें, राइट। तो वेलकम टू डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जमाने के पीछे नहीं, जमाने के साथ। क्योंकि जमाना, क्योंकि लोग अब जमाना बदल रहा है, पूरा जीवन काम करने में नहीं बल्कि सचमुच जीने का भी होना चाहिए। इस एटीट्यूड को अपनाओ। ये लोग जो पुरानी पद्धति के पढ़े हुए लोग थे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, बिजनेसमैन बना, उन लोगों को आप लिस्ट में डालो और उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाओ और पैसे कमाओ, राइट। लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट फॉर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले लोग, या ऐसे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ऐसे लोगों की आपके पास आप अपनी लिस्ट में बना सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जो लोग कमाना चाहते हैं, उन लोगों का नाम, एक्स्ट्रा इनकम जो लोग कमाना चाहते हैं, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इनकम कमाने वाले लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग चाहते हैं, उनके नाम आप अपनी लिस्ट में लिखिए। जो चाहते हैं अपने खुद का बिजनेस खड़ा करना, उनके नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। जो चाहते हैं अपने आपका मोर स्पेयर टाइम, जो चाहते हैं मेरा टाइम स्पेयर, मुझे टाइम मेरी फैमिली के साथ, मेरा अपने एंजॉय के साथ, में आराम से थोड़ा लोड लेके काम करने वाला नहीं हूँ, इस तरह का मेरा एटीट्यूड है, ऐसे लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। जो चाहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो चाहेंगे अपना रिकॉग्निशन, यार लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, लोग मुझे जो है एक लीडर बोले, लोग मुझे सुने, लोग मुझे फॉलो करें, ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, राइट। हेल्पिंग अदर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेचर होता है हेल्पिंग अदर्स, हेल्प, लोगों की मदद करने का नेचर होता है, इन लोगों को आप अपनी लिस्ट में जरूर डालिए। ये वो लोग हैं जो फोकस करने हैं थोड़े से, मैंने उनको छाट के आपको परोसने की कोशिश करी है कि मीटिंग न्यू पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड रहते हैं ऑलवेज, ऐसे लोग अगर आप जुड़ेंगे तो आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। थोड़े ये इंट्रोवर्ट होते हैं, ये थोड़े टॉकेटिव होते हैं, बात करने में थोड़े निपुण होते हैं, थोड़े चपल होते हैं, ऑलवेज स्टार्ट, है ना, हेजिटेशन नहीं होता है ऐसे लोगों में। थोड़ा रिटायरमेंट, जो थोड़ा रिटायरमेंट हो गए हैं या रिटायरमेंट अर्ली एज में रिटायरमेंट चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप लिस्ट में डालिए। जो चाहते हैं लीव ए लेगेसी, कि मैं अपने परिवार के लिए एक जायदाद छोड़ के जाऊं, ऐसे लोगों को डालिए। अगर इन बातों को आप थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो दो शब्द निकल के आ रहे हैं, एम्बिशियसनेस हो ऐसे लोगों को आपकी टीम में हो, ऐसी लिस्ट में हो, और जो नीडी हो, वाकई में दे वॉन्ट समथिंग मोर, जो नीड, जिसको भूख है, ऐसे लोग अगर आपकी लिस्ट में आते हैं तो योर बिजनेस विल ग्रो। आपकी लिस्ट बहुत पावरफुल लिस्ट होगी। एंड थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट है यहाँ पे, दैट इज, इसको भी आप इस तरह भी सेग्रीगेट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को, लोकल लिस्ट, द नेशनल लिस्ट एंड द इंटरनेशनल लिस्ट, राइट। आप अभी सोचते हैं लोकल लिस्ट का मतलब क्या हो गया, लोकल मतलब हो गया कि आपके शहर की एक इंडिविजुअल लिस्ट अलग आप बना सकते हैं, क्योंकि शहर जहाँ पे आप रहते हैं वहां ज्यादा लोग आपके कंपैरेटिवली नोन होते हैं। बट लोकल लिस्ट नॉट ओनली योर सिटी, इट्स 1 to 100 किलोमीटर ऑफ रेडियस, 100 किलोमीटर के दायरे में की लोगों की आप एक सेपरेट लिस्ट भी बना सकते हैं, राइट। नॉट इवन कि आप पहली बार में ही वो लिस्ट बनाएं, आप अपनी लिस्ट को बार बार सेग्रीगेट करते हैं, बार बार अपडेट करते हैं, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका दायरा भी बढ़ता चला जाता है। नेशनल
लिस्ट आप पूरा 100 से 500 किलोमीटर दूर जो आपकी टीम है वहां के लोग भी बनाए, वहां के लोग आप शुरुआती दौर में शायद आपके वहां पे लोग ना हो, पर धीरे धीरे जैसे आपका नेटवर्क बनेगा तो हो सकता है, जैसे मैं बिजनौर में रहता हूँ तो कोई बंदा अगर बिहार में भी हो गया तो 500 किलोमीटर मेरे से दूर हो गया, गुजरात में हो गया तो और ज्यादा दूर हो गया, पुणे में हो गया तो और ज्यादा दूर हो गया, अभी वो चेन्नई पहुंच गया तो और ज्यादा दूर हो गया, वहां के भी लोग मुझे एक दो लोग कहीं ना कहीं मुझे टकराते हैं, रेफरेंस मिलते हैं, उनको भी मैं बना सकता हूँ, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप फिर इंटरनेशनल भी, आपको कोई ना कोई आपके शायद हो सकता है रिलेटिव ना रहे हों, पर किसी भी आपकी डाउनलाइन के रिलेटिव अगर इंटरनेशनली रहते हैं तो वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, राइट। और थोड़ा सा लिस्ट को थोड़ा सा कहते हैं ना पॉलिश करने के लिए, थोड़ा सा और मक्खन करने के लिए, थोड़ा सा और बढ़िया से जैसे कहते हैं ना छौक लगा के बढ़िया सा एक लेविश डेकोरेट करके जैसे आप खाने के लिए, एक और मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप लिस्ट को जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट के थ्रू भी आप अगर जाते हैं तो आपकी लिस्ट और अच्छी और फ्रूटफुल और ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, राइट। सीरियल नंबर उसमें हो जाए, ठीक है, नाम हो गया, ओके, एड्रेस आ गया, फुल एड्रेस आता है, दैट इज गुड, अगर एड्रेस फुल नहीं मिल पाता शॉर्ट एड्रेस मिल जाए, मोबाइल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर हो, और कोशिश कीजिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कई लोगों के साथ, आजकल हर आदमी एक या दो मोबाइल नंबर रखता है, कोशिश कीजिए उसके दो मोबाइल नंबर, आप एटलीस्ट दो मोबाइल नंबर उसके रखें, समहाउ क्या होता है कि एक नंबर हमने लिख लिया, अरे हाँ एक नंबर है सर मेरा बहुत पुराना नंबर है, समहाउ वो किसी वजह से वो नंबर बंद हो गया या वो मिस हो गया, व्हाट्स हो गया, जो भी कुछ हुआ वो नंबर उससे मिस हो गया, तो अगर आपके पास सेकंड ऑप्शनल नंबर है तो आपके पास एक स्टैंड बाई में उससे कॉन्टेक्ट, किसी एक नंबर के बंद होने की वजह से दूसरा नंबर आपके पास उससे कॉन्टेक्ट करने का रहता है, तो आप तभी जब उसका एक नंबर ले रहे हो तभी आप उससे पूछ लीजिए सर आपका सेकंड नंबर भी दे दीजिए, ओके ओके हाँ सेकंड नंबर भी ले लीजिए, है ना, ये ज्यादा एक अच्छी ट्रिक है जिसका मैंने बहुत लॉस भी लिया है, तो मैं आपको चाहता हूँ आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो लॉस ना लें, सेकंड नंबर की भी कोशिश करें, ठीक है। एक दूसरा क्या लिखा, एच डब्ल्यू सी स्टैंड, एच स्टैंड हॉट, डब्ल्यू स्टैंड वार्म एंड सी स्टैंड कोल्ड, मतलब क्या है, ये कोई पानी नहीं है, गर्म पानी, ठंडा पानी और गुनगुना पानी, लाइक नॉट दैट, ये एक टर्म है, हॉट कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट, कोल्ड कॉन्टेक्ट। हॉट मीन्स वॉट, जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हॉट है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले लोग हैं, उनके नाम के आगे आप एच बना सकते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल अमित मेरा बहुत बुजुर्ग फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है बिल्कुल, अरे जो मैं बोल दू वो करता है, मैं ये सब सोचता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं उसे अप्रोच करता हूं और वो डिएक्शन में आता है तो आई जाए, इज अनदर थिंग, तो मैं उसके आगे हाँ ये मैं कोई इसे अप्रोच करूंगा तो ये उसको थोड़ा सीरियसली लेगा, बहुत क्लोज है मेरे से, मैं कहीं बोलता हूँ चलना है तो एकदम चलता है ना, मैं भी इसके बहुत काम आया हूँ, ये भी मेरे बहुत काम आया है, तो हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है, ये मेरे बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है, तो इसे हॉट एच बना दीजिए, इस पे वार्म थोड़ा हल्का गुनगुना सा है, गुनगुना मीन्स थोड़ा एवरेज है, हाँ कर भी सकता है वो मेरे साथ अप्रोच, अब मैं आ भी सकता है, मैं कहीं उसे मीटिंग में बुलाऊं तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों तरह से बात हो सकती है, थोड़ा वार्म, कोल्ड मीन्स मतलब आप जानते हैं उसे, ठंडा है वो थोड़ा, मतलब रेस्पॉन्स कोई कम देता है या आप जानते हैं वो आपको बहुत, हाँ विजय है, हाँ मतलब शायद पहचानेगा नहीं मुझे पर आप जानते हैं हाँ विजय को, तो उस पे कोल्ड लिख लीजिएगा, देखते हैं चलो कोल्ड लिख लीजिएगा, ठीक है, शायद पहचान जाए मुझे, शायद ना पहचाने, या याद दिलवाना पड़े, मिलना पड़े तो पता नहीं रेस्पॉन्स देगा नहीं देगा, तो उसके आगे कोल्ड लिख सकते हैं, एक बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, राइट, कि ये बिजनेस में मदद करेगी, हॉट को सबसे पहले अप्रोच कर लो आप, कोल्ड को धीरे धीरे वार्म में कन्वर्ट करना शुरू करो, हाँ भाई याद है भरत तुझे हम मिले थे यार एक जगह, याद नहीं आ रहा, अच्छा 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 हाँ याद आया, तो और सब ठीक है, परिवार में सब कैसे हैं, बस तेरी याद आई तो मैंने तुझे अप्रोच कर लिया, तो ये कोल्ड कॉन्टेक्ट को आपने हल्के हल्के वार्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, यार कभी बैठेंगे बात करेंगे, अरे कहाँ रह रहा है आजकल तू, मैं वहां रह रहा हूँ, अच्छा आऊंगा मैं चल तेरे पास किसी दिन, तो वो कोल्ड था धीरे धीरे वार्म करा, फिर 5-7 दिन बाद और थोड़ा वार्म किया, फिर वार्म किया, फिर धीरे धीरे उसे वो हॉट में आपके कन्वर्ट हो सकता है, राइट। फिर ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस प्रोफेशन में है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये अपने लिस्ट में लिखेंगे कि वो एक कारपेंटर है या वो एक किस प्रोफेशन, वो डॉक्टर है, तो मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, डॉक्टर से बात करते टाइम आपका एटीट्यूड या आपका वे ऑफ डायलॉग या डायलॉग डिलीवरी अलग होगी, और वहीं आप किसी दूसरे नाई से बात कर रहे हैं या कारपेंटर से बात कर रहे हैं या किसी स्कूल टीचर से बात कर रहे हैं, तो आप
कि सेम कैसेट नहीं चलेगी, डिफरेंट वे ऑफ एटीट्यूड आपका हो सकता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या डिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है, राइट right? थोड़ा सा इस चीज का, इसलिए ऑक्यूपेशन लिखेंगे तो आसान रहेगा। टॉक्ड, आप यहाँ पे टॉक्ड का मतलब ये हुआ कि आप उससे अभी बात कर ली है या नहीं कर ली है, यहाँ पे टिक कर दीजिए, राइट right? जब आप लोगों को अप्रोच करना शुरू करेंगे तो ये टिक का निशान आपको रखने से आसान रहेगा कि अभी इससे क्या बात हुई है या टिक कर दिया आपने। फिर हमने दिया है एच ए एल एन, एच ए एल एन स्टैंड हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग है, ये जो विजय है ना ये बहुत मेहनती है यार, ये मैंने देखी इसकी मेहनत, एच बना दो, एम्बिशियस है तो एच और ए, हार्ड वर्किंग भी है एम्बिशियस भी है यार, ये तो उस दिन कह रहा था कि यार मैं तो भाई साहब कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, एम्बिशियस भी है। लुकिंग फॉर मोर, हाँ यार वो कभी लुकिंग फॉर मोर कभी आई चर्चा, किसी ने कहा यार वो तो कुछ देख रहा है कुछ ढूंढ रहा है, तो एल बना दो। नीडी, हाँ यार वो बहुत नीडी है यार, उसके तो एक महीने का घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा है, वो तो बहुत जरूरतमंद है, एन बना दो। ऐसे करके कुछ कर सकते हैं अपने, ये तो आपकी मेहनत के ऊपर है, देखो कि जितना गुड़ आप डालोगे कितना उसे और फाइन करोगे तो उतना आसान और उतना अच्छा हो जाता है आपको उसके साथ में बात करते टाइम अप्रोच करना, राइट। धीरे धीरे आदत में डाल सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा लोड मत मानिएगा इन सब चीजों का, धीरे 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 कर सकते हैं, जितना भी हो जाए उतना स्टार्ट कीजिए। एंड देन सीडीएन, सीडीएन स्टैंड सी फॉर वो कंज्यूमर बना, आदमी हो सकता है अभी हमारा मकसद क्या है, हमारा मोटिव क्या है, उसे कंज्यूमर बनाना है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उसे अपना नेटवर्कर बनाना है, यही तीनों में से या तो कंज्यूमर बनेगा या वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, कभी कभार 1,000, 2,000, 3,000 पीवी कर लिया करेगा, और या वो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में एक हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा, तीन ही ऑप्शन में आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं अगर वो कंज्यूमर बन गया तो उसके नाम के आगे सी बना सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो डी बना सकते हैं, और वो आप सीरियस हो गया तो एन बना सकते हैं। एंड देन रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि जब आपने इसे कभी अप्रोच किया तो उसका क्या प्रतिक्रिया थी, अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, अरे यार मैं बहुत बिजी हूं, अच्छा मैं एक महीने बाद, जो भी कुछ उसके साथ कन्वर्सेशन हुआ एक रिमार्क का कॉलम आप डाल सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिया, समझाने का तरीका बताया लिस्ट का, इसमें आप इस तरह से थोड़ा अपनी लिस्ट को अच्छे से कर सकते हैं। अपडेट योर लिस्ट डेली बेसिस, देखिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा नहीं है लिस्ट तो ऐसी चीज है कि ये तो अपडेट होती रहेगी। कीप ए पॉकेट डायरी, एक छोटी सी पॉकेट डायरी अपनी जेब में रख सकते हैं आप। और होता क्या है जब हम अपडेटिंग के फॉर्मेट में होते हैं, मैं अभी रोड पे जा रहा था, सामने से मेरे एक ऐसा आदमी निकला, ओ ये राइट, ये तो मेरी लिस्ट में है, अभी उससे आप बात नहीं कर सकते थे, रुक 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 रुक, वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना, ओके बस आपने उसको देख लिया, उसने आपको देख लिया, हेलो हो गया, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, बट वो अभी तक आपकी लिस्ट में एड ऑन नहीं हुआ था। इमीडिएटली आप अगर कहीं ट्रेवलिंग में रोक के या कैसे भी करके उसे अपनी उस पॉकेट डायरी में लिख लीजिएगा, क्योंकि थिंक इट इंक इट, एटीट्यूड की थिंक अगर कुछ हुआ उसको तुरंत इंक इट आप कर लीजिए, उसे नोट कर लीजिए कहीं भी, ठीक है, मैसेज के रूप में, अगर कुछ भी लिखने का नहीं है उस समय तो मैसेज के रूप में कुछ भी कर दीजिएगा जिससे आपको याद रहे, फिर जाके अपनी डायरी में उसको प्रॉपरली किस सिटी का था, वो कहाँ पे था, क्या उसका प्रोफेशन था, वो लिख के अपनी लिस्ट का हिस्सा बना दीजिए, है ना। मस्ट इंक्रीज 50-20%, आपको कोशिश करना है कि अपनी लिस्ट को डे बाय डे इंक्रीजिंग फॉर्म में लाना है। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिटैच मींस मैंने लिस्ट बनाई 1,000 लोगों की लिस्ट बना ली, अब मैंने उन्हें अप्रोच जब करना शुरू करता हूं उस लिस्ट में से कुछ कम लोग ज्वाइन करते हैं शुरुआती दौर में, कई बार तो बहुत अच्छे सारे लोग ज्वाइन करने लगते हैं, पर तो आपको अगर किसी का नाम आपने लिखा, आपने अपने दूध वाले का नाम लिखा जो बहुत आपसे क्लोज था, बहुत आप उसकी हेल्प करते थे, आपने उसे अप्रोच किया, उसे अपॉर्चुनिटी दिया और उसने मना कर दिया, तो उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी रूटीन वर्किंग पे, डेली वर्किंग पे, आप अरे यार इतना मैंने मेहनत किया, मैं इसका नाम लिखा, इतने सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा, इतना सोच के लिखा, ये तो मेरे साथ बिजनेस में आ ही जाएगा, और मैंने इतनी मेहनत करके इसे 1 घंटे तक पूरा समझाया, इतना कॉफी उफी पिलाया, और ये सब तो इसने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया, और ये तो टाल मार रहा है, ये कर रहा है, तो उससे आप डिटैच रहिए, उससे उसके आउटकम से आप जो है, अगर वो नहीं ओके ठीक है लेट देम डू ओके नो प्रॉब्लम, फिर दोबारा सोचेंगे, फिर दोबारा बताएंगे, इस तरह से आप उसके साथ डील रख सकते हैं। और ना ही कभी जब किसी को आप डिटैच, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं उसे समझाएंगे बताएंगे तो आप उससे कभी भी संबंध भी खराब मत करिएगा। कई लोग मैंने देखा है जब वो उनकी बात में नहीं जुड़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो वो उस पे गुस्सा होते हैं या उस पे भड़ास निकालते हैं, अरे बेकार है ये चीज, वो चीज भी नहीं रखनी है, है ना। कई बार तो मैं कहता हूँ अरे भाई तू भी तो बता, तू कितने महीने बाद मेरे से जुड़ा था, तू उसे तो कह रहा है कि वो एकदम जुड़ जाए, और तू मुझे भी तो 6 महीने बाद जुड़ा था, मुझे भी तो तूने बहुत टोपी बनाई थी,
राइट right? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तुमने याद दिलवा दीजिए भाई तुमने भी पूरा जूस निकाला था मेरा, तो तुम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा मत करो कि एकदम तुम किसी को बताओ और वो आपके साथ नहीं आ जाए. ओके उसे डाल दो, आएगा, आप अपने काम को जारी रखो लाइक दैट. ठीक है, तो एक छोटी सी रिवाइंड मार देते हैं. स्माइल किया, मुस्कुराए, किसके साथ? स्ट्रेंजर के साथ. उससे क्या बनाया? पहले दोस्त बनाया, दोस्त के बाद कौन बनाया? उसे अपना कंज्यूमर बनाया. कंज्यूमर के बाद क्या करा? उसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया. डिस्ट्रीब्यूटर के बाद उसे अपना लीडर बनाया. यानी मुस्कुराना, फिर एक स्ट्रेंजर के साथ उसे दोस्त बनाना, दोस्त के बाद उसे कंज्यूमर बनाना, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, एंड देन उसे अपने साथ नेटवर्कर या लीडर बनाना. एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मैंने कई बार ये चीज मैंने नई स्लाइड में ऐड करी है, कई लोगों ने ये देखा मैंने कि कई लोग ये लिस्ट जो बनाते थे बहुत अच्छी लिस्ट बनाते थे, और कई लोग नहीं भी बनाते थे, वो बनाना शुरू कर देंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद. और कई लोग एक गलती और करते थे, जो आज से आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जो लोग उनके साथ डीएक्शन में जुड़ जाते थे उनकी लिस्ट नहीं बनाते थे, जिनसे उन्हें बिजनेस आ रहा है, या जो लोग उनके उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा बन गए, उनको वो सिर्फ पीवी रिपोर्ट में देख के या जैसे भी बोनस स्टेटमेंट में देख के ही काम चला लेते थे. तो मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज आपको एड ऑन करना चाहूंगा. आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, ये आप हैं, और आपके नीचे ये 6 लोग हैं. सुपर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कंपनी भी सुपर स्ट्रक्चर को फोकस कर रही है, आरबीसी भी पूरी तरह से 6x6x6 पर काम कर रही है. तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी लिस्ट को इसी तरह से बनाना है. एक लिस्ट पे एक लीडर का नाम लिख लीजिए, एक पेज पे मान लीजिए अमित है, ये मेरा फर्स्ट जनरेशन है. इस अमित के नीचे 10 लोग जुड़े हैं, उनके नाम लिख लीजिए अलग, एक अलग लिस्ट में. ये विजय है तो विजय के नीचे 10 नाम लिख लीजिए, या 12 नाम, या जो भी लोग इसकी टीम में जितने भी लोग हैं वो सब इस 5-6 पेज छोड़ दीजिए, 10 पेज छोड़ दीजिए, इन पे नाम लिखूंगा मैं. इस तरह से एक अपनी लिस्ट को, सेपरेट लिस्ट को, अपनी डाउनलाइन का, अपनी टीम का और बनाने की आदत डालिए. इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, आप बनाइएगा. आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, और फिर आपको उनको फ्रेम करना आसान रहेगा उसकी टीम के हिसाब से. लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्टैक्ट इज लाइक ए सीड. हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिए कि एक बीज की भांति होते हैं. मैं एक बीघा खेत में 10 किलो बीज बोता हूं, मैं 10 किलो गेहूं लाया और मैंने 1 किलो बीज में, 1 किलो बीघा, 1 बीघा में उसे बो दिया. उसको प्रॉपर मैंने हार्वेस्टिंग किया, उसे नॉरिश किया, उस पर खाद पानी दिया, जमीन को फर्टाइल किया, एंड देन मैंने देखा आफ्टर फ्यू मंथ वो 400 kg गेहूं की उपज हमें दे देते हैं. एवरेज जो है एक बीघा में 10 किलो का 400 किलो. तो सिमिलरली ये जो कॉन्टैक्ट हैं आपके, एक बीज की भांति हैं, जो आपको एक कॉन्टैक्ट के पीछे कई बार 400 नहीं हजार हजार लोग छुपे होते हैं. अगर आपने उसको सही से प्रॉपर नॉर्चर किया, उसको प्रॉपर खाद पानी दिया, उसका ध्यान रखा, उसकी केयर टेकिंग करी, उसको समय समय पर मोटिवेट करा, उसे समय समय पर आरबीसी के यूट्यूब के जो मीटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हो रही हैं, उनका पार्ट बनाया, उसको प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व किया, उसकी हर छोटी छोटी चीजों के साथ आप अपने अनुभव के साथ खड़े रहे, देन यू विल सी कि वो एक बीज कितने हजार बीजों में कन्वर्ट हो. माई डियर फ्रेंड्स, ये वो तरकीब है जिसके माध्यम से आप अपनी लिस्ट को बहुत अच्छा, एक सुनहरे गोल्डन एग की तरह, जो आप देख रहे हैं गोल्डन एग की तरह यूज करके फायदा उठा सकते हैं. एंड यही मेरी आपसे शुभकामना है कि अब आप आगे भविष्य में खूब आगे बढ़ के इस लिस्ट के माध्यम से आगे बढ़ें. और धन्यवाद मैं चाहूंगा देना कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया जिसमें मैं अपने अनुभव शेयर कर सका. थैंक यू सो मच. आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं हमेशा देते रहिए, जिससे हम खूब लोगों को उनके जीवन में बदलाव दे सकें. थैंक यू सो मच.